हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं बहुत ही टेस्टी और फटाफट बनने वाली सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज लिया है, इनको मैंने अच्छे से धो लिया था ताकि इसकी कड़वाहट है वो निकल जाए। और अभी एक प्याज के मैंने 4 टुकड़े काट लिए हैं। इसको हमें मोटा मोटा ही रखना है क्योंकि ये मोटी मोटी अच्छी लगती हैं। और अभी मैंने एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डाल लिया है, छोटे वाले 3 चम्मच डाल लिए हैं। और अभी इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे, छोटा सा मैंने तेज पत्ता ऐड किया है, और एक मैंने लाल मिर्च ऐड किया है। आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं मसाला। और थोड़ा सा मैंने करी लीव्स लिया है, आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। और अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया था, उसको मैंने डाल दिया। और अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी जो प्याज काट के रखी थी वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है, और अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जब तक हमारी प्याज फ्राई होती है, मैंने आधी से भी कम कटोरी मेरे पास मलाई थी, उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। मलाई अगर आपके पास ज़्यादा है तो और भी अच्छी प्याज बनती है। और अभी मैंने प्याज को फ्राई होने के लिए 5 से 7 मिनट लगाए हैं। और इसके जो मोटे मोटे टुकड़े थे वो परतें अपने आप से खुल जाती है जब हम इसको धीमी आंच में फ्राई करेंगे तो। और अभी मैंने थोड़ा सा मसाला ऐड किया है इसके अंदर, मैंने 1/4 चम्मच मैंने हल्दी डाला है, और 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैंने जो मलाई मैश किया था वो इसके अंदर डाल लिया, और इसको भी अच्छे से हम पका लेंगे। इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। हमारी मलाई जब तक पक जाती है, इसके अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है, तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। तो आप प्याज देख सकते हैं तेल छोड़ने लग गई है तो। और अभी थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी मैश करके इसके अंदर डाल लिया है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको 2 मिनट के लिए और अच्छे से पकाएंगे। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच, क्योंकि खटाई तो चाहिए। आप आमचूर पाउडर की जगह आप नींबू भी यूज कर सकते हैं। अब इसको भी हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें भुना हुआ जीरा ऐड किया है। बस इसको हमें मिक्स करना है, पकाना नहीं है, क्योंकि जीरे का जो टेस्ट होता है वो सब्जी बनने के बाद जो डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हमारी सब्जी वो बनकर तैयार है। अब इसके चाहे तो आप इसके ऊपर से भी मलाई डाल के सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी बनती है, सिर्फ मलाई की ज़रूरत होती है घर में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।